तो हाय एवरीवन, आपके मेरे नए यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि आप पिक्सआर्ट में आप कैसे फॉन्ट्स ऐड कर सकते हो। तो आ गया हूँ मैं आज वो वीडियो लेकर। ओके, तो भाई आप लोग तो इस टॉपिक को थोड़ा सैड लगते हैं, पर एक छोटा टॉपिक उठाना चाहूँगा। आप लोग सोच रहे भाई इसने पीछे एक कागज ले, तो गई ये मैंने पेपर लगा दिया है क्योंकि वाइट बैकग्राउंड था तो उतना अच्छा मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सोचा नहीं कुछ होना चाहिए पीछे जो एक मेरे को ठीक ठाक एवरेज लगे। मैं चलो न्यूज़पेपर लगा देता हूँ, तो मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया है। तो बैकग्राउंड कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इन सब बातों के साइड में, तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। ओके, तो प्लीज़ वीडियो में एंडिंग तक देना, वीडियो पूरा वॉच करना। और जिस वेबसाइट से मैं करने वाला हूँ वो वेबसाइट है DAFONTS, मतलब dafonts.com से। ओके, तो मैं पहले बता दूँ, मैं किसी वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आपको जो वेबसाइट ठीक लगे आप वैसे ही कर सकते हो, पर प्रोसेस आपको ऐसे ही करना होगा। तो वीडियो में एंडिंग तक बने रहना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है अपने गूगल पे। और यार मैं आपको एक वेबसाइट बताऊँगा, तो उस वेबसाइट पर आपको जाना है जिस वेबसाइट का मैं सर्च कर देता हूँ नेम। तो वो वेबसाइट का नाम है DAFONTS, डेफॉन्ट्स, ठीक है। अगर तो आप लोग दिमाग में आ रहा होगा भाई ये तो फॉन्ट स्पेस से ही बता सकता था, कई बार बता सकता था, पर ये मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स के आपको तरीके मिल जाते हैं। अगर आपको हॉरर चैनल तो आपको हॉरर फॉन्ट मिल जाएंगे, व्लॉग तो आपको व्लॉग फॉन्ट्स मिल जाएंगे, तो बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो यार मैं इस पर वेबसाइट पर क्लिक कर दूँ जो हमारी फर्स्ट नंबर पर आ गई है। अब वो करना क्या है, अब गाइस यहाँ पे आपको देख सकते हो भाई इतने सारे मतलब फ़ोन्स आपको मिल जाते हैं। ओके, तो आपको थोड़ा सा आप जूम इन करोगे ना, तो यार देखो यहाँ पे कुछ ऐसे आए थे फैंसी कार्टून कॉमिक ग्रूवी ओल्ड स्कूल, मतलब बहुत सारे हैं भाई, मतलब क्या बताऊँ बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो करना क्या है, यार मैं टेक्नो है तो मैं कह देता हूँ SCIFI पे। तो देख सकते हो भाई मतलब इतने बढ़िया बढ़िया फ़ोन्स आ गए हैं। तो अब करना क्या है, अगर मेरे को ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है ये वाला, और जिसमें लगा ओरिजिन टैग, तो आपको थोड़ा जूम इन और करना जाए एक बार, तो साइड में आओ तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड, तो आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो ये वेबसाइट है वो है जिप में। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको अभी इसे अनजिप कैसे करना है, फिर डीकम्प्रेस कैसे करना है। तो इसे मैं कर देता हूँ डाउनलोड। तो जब फाइल डाउनलोड हो चुकी है हमारी, उसके बाद आपको जाना है बैक, और फिर आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर में। ओके, तो मैं देखिए आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप डीकम्प्रेस कर रहे हो ठीक है, तो कई फ़ोन में ऐसा भी होता है कि टच करते ही डीकम्प्रेस हो जाता है। अगर आपका टच करके भी नहीं हो रहा या फिर लॉन्ग प्रेस करके भी नहीं हो रहा, तो आप एक ऐप की मदद ले सकते हो जिसका नाम है जेड अर्चीवर। अगर आपको उसके ऊपर पूरी ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं वो ट्यूटोरियल डाल दूँगा जेड अर्चीवर की। ओके, तो आओ तो चलते हैं यहाँ पे प्रोसेस की तरफ। तो आपको करना क्या है, मैंने जो फ़ोन डाउनलोड करा है वो मैंने करा है क्रोम से, तो ये मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में होगा, तो यहाँ मैं जाता हूँ डाउनलोड में, और ये रहा ओरिजिन टैग। ओके, तो आप देख सकते हो ये है मैं जिप मोड में। अब मेरे को करना है इसे अनजिप, तो आपको मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, मैं करता हूँ ऐसे, फिर मेरे को करना है यहाँ से डीकॉम्प्रेस। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने इसे कर दिया है डीकॉम्प्रेस। अब जो हमारे सामने ये ऊपर आ जाता है ओरिजिन टैग इसी के साथ में, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जितने भी TTF फॉर्मेट में जितनी फाइल मिल रही है तो वो आपको कर देनी है सेलेक्ट TTF। ओके, तो जैसे मैं अभी मेरे को सिर्फ एक ही मिल रही है TTF में, तो मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट TTF वाली। उसके बाद आपको कर देना है कट, कट करने वाला आपको आना है बैक, और आपको पिक्सल वाला फोल्डर ढूंढना है। ओके गाइस, तो भाई देखो तो कैसे हमारा फॉन्ट वाला ये जो आ जाएगा, फिर आपको आना है फॉन्ट पे, और आपको जो है पेस्ट कर देना है। अगर मैंने पेस्ट कर दिया उस पर आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है हमारा फॉन्ट है वो पिक्सआर्ट में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं आता हूँ पिक्सआर्ट वाले ऐप में, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पिक्सआर्ट ऐप ओपन कर लिया है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है भाई। तो अगर अब ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा इंटरफेस पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद, तो आप प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, आपको एडिट अ फोटो पर क्लिक कर देना है। एडिट अ फोटो पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बता दूंगा आपको फॉन्ट कैसे मतलब यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं चुन लेता हूँ ये वाला, जो मैंने चुन लिया है तो सॉरी गाइस ऐड आ गया था, तो यहाँ मैंने जैसे चुन लिया। फिर आपको जाना है टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं सिंपल जो है मैं अपना नाम लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने जैसे अपना नाम लिख दिया यहाँ पे पीयूष, फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा जो आपको एक पर्पल या किसी भी कलर में। फिर आपको आना है माई फॉन्ट पे, तो आप देख सकते हो ओरिजिन टैग डेमो,
तो ये हमारा हो चुका है ऐड, से आपको इस पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप इस पर चेक कर दो, आप देख सकते हो भाई जो हमारे फॉन्ट है ये इसमें ऐड हो चुका है। तो गाइस आप इसको ऐसे ही ऐड कर सकते हो। अगर आपको जेड आर्काइवर के ऊपर पूरी एक ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, मैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो ले आऊँगा। अगर नहीं बताओगे भाई तो अभी भी मैं को ले आऊँ, क्योंकि मुझे कंटेंट चाहिए। तो हे गाइस इसी के साथ होती है वीडियो की एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको YouTube से रिलेटेड पिक्सार मतलब बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ये बंदा मतलब डेली डेली वीडियोस कैसे ला रहा है, तो मैं आपसे बात कहूँगा भाई मैं YouTube पे थोड़ा मैं एक्टिव हो गया हूँ, तो हो सके आपको डेली वीडियोस मिल जाएंगी या फिर आपको दो या तीन दिन पर वीडियोस देखने को मिल सकती हैं। तो गाइस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।